पिता के हृदय में मेरे लिए केवल प्रेम था, आज उनके मन में मेरे लिए इतना क्रोध, इतना द्वेष। महादेव की शंका उचित थी, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। देवी, ये आप क्या कह रही हैं? आपने तो निर्णय लिया था कि आप कंकाल नहीं जाएंगी, फिर अब अपना निर्णय क्यों बदल रही हैं? प्रभु, मैं अपने पिताश्री को जानती हूँ। वो ये यज्ञ केवल और केवल आपका अपमान करने के लिए कर रहे हैं, और मैं ये कदापि स्वीकार नहीं कर सकती कि संसार में कोई भी आपका अपमान करे। पीठ पीछे की गई बुराई केवल निंदा होती है, उससे ना तो किसी का सम्मान होता है और ना ही अपमान। महादेव, किंतु अकारण की गई निंदा से भी सुनने वालों के मन के भाव बदल सकते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उस महायज्ञ में, जहाँ संसार के सभी देवता उपस्थित हों, आपका पक्ष रखने वाला भी कोई हो, ताकि पिताश्री की बातें असत्य सिद्ध की जा सके। देवी, सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, असत्य बोलकर भी हार जाता है और मौन रहकर भी अंत में विजय सत्य की ही होती है। प्रभु, आपकी बातों को मेरी बुद्धि तो स्वीकार कर रही है, किंतु मेरा हृदय नहीं, इसलिए मैं कंकाल जाना चाहती हूँ। देवी, प्रेम बांधता नहीं, स्वतंत्र करता है। इसलिए आप जो भी निर्णय लेंगी वो मुझे स्वीकार होगा। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, जो मैंने सोचा कि मैं अपने प्रेम से अपने पिता का हृदय जीत लूंगी, किंतु जिसका हृदय प्रतिशोध से भरा हो, उसके हृदय में प्रेम का अंकुर कभी नहीं फूट सकता। अब ना तो मैं यहां से जा सकती हूं और ना ही यहां रह सकती हूं। मैं अपनी ही भावनाओं के भंवर चक्कर में ऐसे उलझ गई हूं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देवी, मैं आपकी मनोभावनाओं को समझ सकता हूं, दूसरों के द्वारा दी गई बड़ी से बड़ी पीड़ा भी सहन की जा सकती है, किंतु अपनों द्वारा दिया गया तनिक सा अपमान भी असहनीय होता है, और यहां तो आपको ठेस पहुंचाने वाले आपके स्वयं के पिता ही हैं। मैं इसलिए आपको रोकना चाहता था देवी, परंतु साक्षात देवी आदि शक्ति से आपके अवतरण का उद्देश्य जानकर मैं ऐसा नहीं कर सका। इसी कारण मैं चाहकर भी आपको कंकाल जाने से नहीं रोक सका, किंतु इस निर्णय से जो दुख, पीड़ा और वेदना मुझे हो रही है, मैं उसे व्यक्त भी नहीं कर सकता। देवी सती, गंगा, हम कुछ समय के लिए एकांत में रहना चाहते हैं। देवी सती, हम आपकी मनस्थिति भली भांति समझते, किंतु आप यहाँ बहुत लंबी यात्रा करके आई हैं और अब तक आपने भोजन नहीं किया, इसलिए हम केवल यही चाहते हैं कि आप भोजन कर लीजिए, उसके पश्चात हम दोनों मिलकर महाराज दक्ष पे क्रोधित होंगे।
तुम सभी से अपने मन की करवा ही लेती हो, इसलिए आप जो चाहती हैं हम वही करेंगे। किंतु आपको भी हमारी एक बात माननी होगी। कौन सी बात? हम आपको कुछ देना चाहते हैं, आइए हमारे साथ। महाराज, आप ये हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? आप जानते हैं ना, हमें अभी चलने में भी कितनी कठिनाई हो रही है। देवी, हम आपको जो दिखाने वाले हैं ना, उसे देखकर आपकी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। देखिए, हमारी दिव्य शक्ति से देखिए दक्ष के यज्ञ स्थल को, जहां कुछ ही समय में सृष्टि के सभी देवी देवता उपस्थित होने वाले हैं, और उसी समय हमारी तीनों संतानों का जन्म भी होगा। क्योंकि जब समस्त देवी देवता और ग्रह नक्षत्र एक साथ दक्ष के यज्ञ स्थल में उपस्थित होंगे, तो उनका कोई बुरा प्रभाव हमारी संतानों पर नहीं पड़ेगा, और वे चिरकाल तक अजय होकर संपूर्ण सृष्टि पर राज करेंगे। असुर राज की जय हो। देवी, आप यान के कक्ष में विश्राम कीजिए। विद्यापति, क्या सूचना लाए हो? महाराज, वो गंगा। तो ये गंगा महादेव की भक्त है। अब मुझे तेरी पूरी कुंडली ही खोलनी होगी। मैं समझ गया, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी पवित्रता है। मुझे अभी महाराज तारकासुर को इसकी सूचना देनी ही होगी। इसलिए महाराज, वो गंगा देवताओं से भी कहीं बड़ी संकट है हम असुरों के लिए। विद्यापति, असुर, मनुज देवता, इन सबसे भी अधिक शक्तिशाली होता है समय, और हम असुरों का समय आने वाला है। उसे ना तो कोई देवता रोक सकता है और ना ही वो गंगा। महाराज, आपने संसार के सभी देवताओं को अपने इस महायज्ञ में निमंत्रित किया है, किंतु अब उन्हें मंत्रों द्वारा आमंत्रित करना होगा, क्योंकि मंत्रों द्वारा आमंत्रित किए गए देवता ही यज्ञ का शुभ फल देते हैं। अवश्य ऋषिवर, अब मैं संसार के सभी देवताओं को आमंत्रित करूंगा, और इस यज्ञ स्थल पर सृष्टि के सभी देवों के महामंत्र गूंजेंगे, केवल उस जटाधारी शमशान निवासी को छोड़कर। और सबसे बड़ी आनंद की बात क्या है जानते हैं? इस यज्ञ में शिव की पत्नी अपनी आंखों से अपने पति का अपमान होते हुए देखेगी। क्षमा करें महाराज, किंतु यज्ञ में सम्मिलित होने आए किसी भी अतिथि का इस प्रकार अपमान उचित नहीं है। अतिथि जो मेरी पुत्री ना हुई, उसे मैं किस मन से अपना अतिथि स्वीकार कर लूं? अब तो इस यज्ञ में शिव की पत्नी और उस जटाधारी का जितना अपमान होगा, उतना ही मेरा ये यज्ञ सफल होगा। ऋषिवर, आप बस देवताओं के मंत्र का आह्वान कीजिए,
ओम सूर्य देवताए नमः। हे संसार को अलौकिक करने वाले सूर्य देव, इस परम पुत्र तक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होकर अपना आसन ग्रहण कीजिए। ओम इंद्र देवाय नमः। हे स्वर्ग के अधिपति देवेंद्र, प्रकट हो और अपना आसन ग्रहण कीजिए। देवी सती, आप हमें क्या देना चाहती हैं? हम आपको एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व सौंपना चाहते हैं। आपने ये भाग महादेव के लिए निकाला था ना, तो इसे महादेव तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व भी आपका ही है। ये तो हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि अब तक हमारे मन में केवल एक ही इच्छा अधूरी है, और वो है महादेव से मिलने की। किंतु हमसे पूर्व तो आप हिमालय पहुंचेंगी, तो आप ये स्वयं ही महादेव को क्यों नहीं सौंप देती? गंगा, इस भाग में महादेव के प्रति आपकी अनन्य भक्ति छुपी हुई, इसलिए इस भाग को आपको स्वयं ही महादेव तक पहुंचाना होगा। इस भाग को संभाल के रखिएगा, क्योंकि इसके प्रत्येक अन्न में महादेव का वास है। देवी, हमें जीवन में प्रथम बार किसी उत्तरदायित्व का बोध हो रहा है। आप निश्चिंत रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, महादेव का ये भाग तक अवश्य पहुंचेगा। हे महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे ही घर में, हमारे ही पिता के द्वारा आपका इतना अपमान हो रहा है। किंतु इस अपमान को रोकने का एक मार्ग है, और अब हमें उसी मार्ग का अनुसरण करना होगा। महाराज, अब केवल ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु को इस यज्ञ में आमंत्रित करना शेष है, किंतु इससे पहले मैं आमंत्रण मंत्र का पाठ करूं। मेरी आपसे एक विनती है, इस संसार में कोई भी यज्ञ अनुष्ठान त्रिदेवों के बिना पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि ब्रह्मदेव और श्री नारायण के साथ साथ महादेव को भी अपने इस महायज्ञ में सम्मिलित कीजिए। ऋषिवर, संसार की इसी रीति को तो बदलना है। आज मैं ये सिद्ध कर दूंगा, श्री कौश चटाधारी की कोई आवश्यकता नहीं है।
आप केवल ब्रह्मदेव और श्री नारायण के मंत्रों का पाठ कीजिए। ओम श्री ब्रह्म देवाय नमः। हे परमपिता, अपने इस पुत्र के यज्ञ में सम्मिलित होकर मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे नारायण, हे सृष्टि के पालन करता, आप मेरे आराध्य हैं, इसलिए आपको अपने इस भक्त के महायज्ञ में सम्मिलित होना ही होगा। प्रकट हो नारायण, प्रकट हो। माता, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी पुत्री। माता, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। पुत्री, तुम चिंता मत करो, अब से तुम्हारी माता हर प्रकार से तुम्हारे साथ है। और आज यज्ञ समाप्त होने के बाद ही मैं तुम्हारे पिताश्री से बात करके तुम्हारा कन्यादान अवश्य करूंगी। माता, अब आपको मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। महादेव को पाकर मैंने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया। अब ना तो मेरी कोई अधूरी इच्छा है और ना ही कोई नई आशा। पुत्री, ऐसा मत कहो। मैं जानती हूं मैं तुम्हारी अपराधिनी हूं, किंतु अपनी माता से तो ऐसी बातें मत कहो। माता, मैं नहीं जानती कि अब आपसे और क्या कहूं, किंतु यदि ये सुनकर आपके मन को सांत्वना मिलती है तो ठीक है। जाने अनजाने यदि मेरे प्रति आपसे कोई भी अपराध हुआ है तो मैं उसके लिए आपको क्षमा करती। पुत्री सती, ना जाने क्यों तुम्हारी बात सुनकर मुझे भय लग रहा है। मैं समझ सकती हूँ पुत्री, अपने पिता के मुख से इतनी कड़वी बातें सुनकर किसी भी पुत्री का हृदय टूट सकता है। इसीलिए यदि तुम चाहो तो अभी इसी क्षण तुम हिमालय लौट सकती हो। नहीं माता, मैं यहाँ से वापस जाने नहीं आई हूँ। मैं तो अपने पिता के घर अपने पति को सम्मान दिलाने आई हूँ। माता, मैंने यहाँ आकर एक पुत्री का धर्म तो निभा दिया, किंतु अब समय आ गया है कि मैं महादेव की पत्नी होने का धर्म निभाऊं। पुत्री सती तो अपने पिता से हार गई, किंतु महादेव की पत्नी सती किसी भी स्थिति में हार नहीं मान सकती। इसलिए मुझे महादेव के अपमान को सम्मान में बदलना ही होगा। हमारा मन कह रहा है कि देवी सती के इस निर्णय में अवश्य ही कोई बड़ा अनर्थ छुपा हुआ है, और इससे पहले वो अनर्थ घटे हमें उसका पता लगाना होगा। इतना कठोर निर्णय, ये क्या देवी, इतना कठोर और निर्मम निर्णय कैसे ले लिया आपने?
नंदेश्वर, तुम कहाँ हो नंदेश्वर? जब भी हमें आवश्यकता होती है न जाने कहाँ चले जाता है। काका, आपने नंदेश्वर को देखा? नहीं राजकुमारी जी, वो इस ओर आए ही नहीं। यदि नंदेश्वर इस ओर भी नहीं आया तो वो कहाँ होगा? माता, मैं यह देवी गंगा की सहायता के लिए आया हूँ, तो आप मुझे आदेश दे माता। महादेव के अपमान का दंड मैं दूंगा महाराज दक्ष को। नहीं नंदी, हम जो करेंगे स्वयं करेंगे, हमें किसी की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं। नंदेश्वर, नंदेश्वर, नंदेश्वर। काका, आपने नंदेश्वर को देखा? जी, वो तो देवी सती के कक्ष की ओर गए हैं। नंदेश्वर और देवी सती के कक्ष की ओर? माता, आपकी ये पीड़ा और आपका ये दुख देखकर मेरा मन अत्यंत ही भयभीत हो रहा है। माता, मेरी आपसे विनती है कि शीघ्र ही आप हिमालय लौट चलिए। नंदी, ये केवल तुम्हारा प्रेम है, मैं तो केवल अपने पत्नी धर्म का पालन कर रही हूँ, और धर्म पालन से बड़ा सुख और क्या हो सकता है। किंतु माता, नंदेश्वर, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishaara.